धर्मनगरी हरिद्वार में G20 कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय C20 कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम के पहले दिन रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने शिरकत की। वासुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य लेकर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। C20 कार्यक्रम में कई देशों की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हरिद्वार में C20 कार्यक्रम आयोजित होना सौभाग्य का विषय है और इस कार्यक्रम से निकलने वाली आवाज पूरी दुनिया के लिए सुखद और कल्याणकारी होगी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही वासुदेव कुटुंबकम की बात की थी, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में पहुंचे, हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में ही ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ग्लोबलाइजेशन का ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जो आज दुनिया मानने लग रही है, और G20 का आतिथ्य करने को भारत का मौका मिला है। एक तरह से प्राचीन काल में ही जब ऋषि लोग संगोष्ठियां करते थे विश्व की समस्याओं को लेकर के, तब भारत में ही दुनिया के लोग इकट्ठे होते थे। पुनः वह गौरव संस्कृति लौट करके भारत को वह गौरव मिल रहा है। समुचित विकास में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और जो सामाजिक संगठन है उनकी क्या भूमिका पूरे विश्व के परिवार में हो सकती है, इसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन आज हरिद्वार में हो रहा है। ये भी सौभाग्य का विषय है कि G20 के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन पहली बार G20 को इस तरीके से एक परिवेश पूरे विश्व में मिला है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।